आज हम मजरे की पूरी सच्चाई बताऊंगा। छोटा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप आने वाले हो या आना चाहते हैं, कोई आपका दोस्त यार भाई कोई भी मजरे माना चाहता है, तो ये जानकारी आपको रखना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी इसलिए है कि बहुत लोग आने के बाद यहाँ सोचते हैं कि इंडिया में रहने वाले की सोचते हैं यहाँ पर कुछ काम नहीं होता है, या मतलब मजरे में जाएंगे कुछ काम नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा रहता है, रियल में काम तो बहुत ज़्यादा रहता है। आप एकदम परेशान हो जाओगे। बहुत लोग होते हैं ऐसे नहीं परेशान हो जाते हैं, बहुत लोग ऐसे भी एकदम मजे काटते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऊँट का मजरा है और इसमें बच्चे लोग बैठे हुए, देखिए ये बच्चे लोग बैठे हैं, चार बच्चे हैं। हमारे पास और बच्चे थे लेकिन कपिल ने मेरा बेच दिया। तो मजरे की जो सच्चाई है दोस्तों मैं बता दूँ, रात को समय था, कल रात का समय था, खमीस का दिन था, बृहस्पतिवार, और हमारा कपिल लोग आया था, दोस्त वगैरह आया था, सारा दिन हम लोग काम किए। आप पीछे के वीडियो में आपने देखा होगा कि दूसरे के मकान पे गए थे अपने कपिल के भाई की, उधर फर्श बनाया, नहला दहला किया, उधर पानी टंकी गड्ढा गुड्डी सब खोदा हम लोग। फिर हम लोग थक गए, 12 बज गया, हम लोग खाना नहीं खाए थे, सुबह नाश्ता बस किए थे, नाश्ता में क्या खाए थे, एक रोटी खाए थे वो भी चाय के साथ। फिर क्या करें कि उसके बाद हम लोग काम पर लगे सुबह से, मतलब 5:30 बजे उठो तभी से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि 5:30 बजे उठो तो कहीं अपना जाओ यो करो, नहीं, 5:30 बजे से हम लोग ड्यूटी पर लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। 5:30 बजे से लगे थे, हम लोग को हो गया था 12 बज गया था, 12 बजे नहीं 12:30 हो गया था। फिर हम लोग जब उधर से वापस आए तब वो बोला हमारे लिए भी खाना बनाओ, अपने लिए भी। तो मैं तो खाना सबके लिए बनाता हूँ, तो मैं उसके लिए खाना बनाया, दाल बनाया और चावल बनाया। दाल तो ये लोग कभी खाते नहीं, लेकिन उस दिन इमरजेंसी में कल दाल खाना था उनको, तो मैं उससे चलो दाल खाना हो तो खा लो, कोई मुश्किल नहीं। मैंने जैसे दाल बनाया वो झटपट में तुरंत, उसके बाद मैं बोला खाना लाओ मैं खाता हूँ। जब खाना उसका निकाला तब तक उसका दोस्त आ गया, फिर उसका दोस्त आ गया, दोस्त आने के बाद उसने बोला कभी खाना रुक जाओ, अब खाना निकाल दिया, वो खाना हो जाता है ठंडा, फिर वो बाद में मुश्किल करने लगा, बोला कि अभी बाद में खाएगा, फिर खाना हो गया ठंडा। फिर मैंने खाना को फिर से पतीली में रखा, फिर रख के ढका, फिर 10 मिनट के बाद बोला खाना निकालो, खाना निकाल दिया, जैसे तुरंत खाना खाया, फिर बोला उसके तुरंत खाना खाने के बाद बोला तुम लोग जल्दी जल्दी खाओ और ये काम करना है, खेमा लगाना। मैं खेमा का अलग से वीडियो अभी मैं दिखा दूँगा, वीडियो में थोड़ा सा सीन आपको दिखाऊँगा, चलूँगा खेमा की तरफ, बोला खेमा लगाओ, खेमा में सारा कपड़े मतलब रखो, तो मैं खेमा में थोड़ा दिखाऊँगा। बाकी खेमा के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन खेमा में क्या क्या काम किया आज मैं वो बता दूंगा। तो उसके बाद वो बोला कि चल ठीक है ये काम करो, वो काम करते करते दोस्तों हम लोग को शाम हो गया, इधर ऊँट का काम नहीं कर पाए, जो कचरा थोड़ा साफ करना रहता वो नहीं कर पाए, सोचिए इतना ज़्यादा काम कराया। फिर उसके बाद करते करते शाम हो गई, जैसे शाम हो गई तो हम लोग बोले भैया आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं दिया। हमारे साथ जो राजस्थान में काम करते थे उसका कमर दर्द करने लगा, पैर दर्द करने लगा, बेचारा एकदम हाँफ रहा था। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा था, मेरा भी हालत उसी तरह एकदम सेम हो गया था, मेरा भी मन कर रहा था कि थोड़ा छोड़ छाड़ के थोड़ा सा कहीं भाग जाऊँ, थोड़ा देर कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन ये लोग रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय नहीं दिया, एकदम दिमाग हो गया था ख़राब। तो फिर एक बार कि चलो भाई अब मजबूरी है भाई, यहाँ पर आने के बाद क्या करोगे, अभी 1-2 दिन इतना ज़्यादा काम रहता है कि हालत ख़राब है, बाकी दिन तो वही काम रहता है, लेकिन 1-2 दिन बहुत ज़्यादा इधर काम रहता है। तभी मैं वीडियो इधर इसलिए बैठ के शूट कर रहा हूँ क्योंकि इधर से मैं थोड़ा आप देख सकते हैं, इधर ये लगाना बनाया हुआ ना, इसी के सामने मेरा गुरफा है और कपिल मेरा आया हुआ, अब भी देख लेगा तो गुस्सा करेगा। तो मेरा जो टाइम था खाली समय बचा था, मैं तभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद शाम हुआ, मैंने शाम को 6 बजे चाय बनाया, एक तो मैंने 5 बजे चाय बनाया था, 4:30 बजे, 1 घंटे मैं इधर आया ऊँट में, ऊँट का खाना पानी डाल दिया, चारा वाला डाल दिया, दूध निकाल के दे दिया उसको। दूध पीने के बाद जस्ट बोल रहा है कि चाय सही नहीं है, दूसरा चाय बना, बताओ मैं इतने दिनों से चाय बना रहा हूँ कभी नहीं बोला, उस दिन बोल रहा है चाय नहीं सही है। 2-3 दोस्त आ गए, जो थोड़ा सा टेक्निक नया अलग लगाया था ना इसके लिए वो ऐसा बोल रहा था, तो मैं बोला चलो ठीक है कोई मुश्किल नहीं है हो जाएगा। फिर मैं चाय बनाया, फिर 1/2 घंटे बाद फिर बोल रहा है ये भी चाय सही नहीं है, दूसरा आदमी आया क्या आया क्या नहीं हुआ, बोला वो भी चाय नहीं सही है। इसी तरह करते करते उसने रात को 6 बार चाय बनवाया, 8 बजे से बनवाया या फिर 11 बजे रात को चाय बनाया। मेरा तो एकदम दिमाग हो गया था खराब, मैं बोला मैं चाय नहीं बनाएगा, तुमको बनाना पीना तो तुम अपना बना ले, पी ले, मैं नहीं बना पाएगा तुम्हारा चाय। वो तो बोला ठीक है एक चाय बना दे बस उसके बाद रहने दे। तो मैंने वो लास्ट चाय बनाया, फिर मैं 11:30 बजे जाके सो गया। सोने के बाद फिर सुबह वही काम हुआ। तो ये लोग दोस्तों मजरे में इसी तरह काम होता है, जब वो लोग को कोई चीज़ थोड़ा सा होकर प्रॉब्लम उसमें दिख गई ना तो वो लोग सीधे बोलेगा ऐसा ही नहीं, दूसरा बना, ये कर वो कर, ये नहीं है कि ख़राब हो गया तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो चल जाएगा, नहीं, ख़राब हो गया तो भैया उसको फेंक दो फिर दूसरा बनाओ, क्योंकि चाय पानी का यहाँ कोई कमी नहीं है। अभी कोई गाड़ी से आ गया फ्रेंड, आप देख सकते हो तो कोने पे दिख रहा होगा, तो गाड़ी से कोई अभी आ गया, कपिल का दोस्त हो या मैडम वैडम कोई आई होगी, तो ऐसा कुछ हुआ था। फिर मैंने
चाय बनाया बनाया दे वो दिया, छोड़ छाड़ दिया, मतलब सोने होने चला गया। फिर वो अपना क्या किया क्या नहीं किया, तो मजरे में ऐसा ही होता है। आप ये मत सोच के आना कि एक बार कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, जब तक ये लोग रहेंगे आपके पास फुर्सत नहीं मिलेगा। ये तो मैं किसी तरह आया हूँ इधर घूमने के लिए, तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ कि मैं सोचा आप लोग के साथ थोड़ा शेयर करूँ, ये जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो कम मतलब मजरे में कभी भी ये मत सोचिएगा, काम बहुत सारा काम रहता है, हर जगह नहीं, किसी किसी के पास बहुत कम काम रहता है। जिनका कपिल नहीं आता है वो लोग तो समझ लो मौज करते हैं, जिनका कपिल भैया आता है उनकी तो हालत हो जाती है ख़राब, और हमारा कपिल हमेशा हमारे पास ही रहता है, इधर ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और थोड़ा सा सीन मैं आपको दिखा दूँ, खेमा का सीन नहीं दिखा पाया तो मैं उसका थोड़ा सा आपको क्लिप अभी दिखा दूंगा, अगर मैडम आई है तो सॉरी बोलता हूँ, अगर मिल जाएगा शूट करने के लिए तभी मैं लास्ट में दिखा दूंगा, नहीं तो फिर बाद में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।